प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर के साथ हम उपस्थित हैं। 22 सितंबर की बड़ी खबर है टीचिंग पीएचडी भर्ती को लेकर के, टीचिंग जॉब के लिए आपके गुड, यहाँ पे गुड न्यूज है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा, सबको समझना होगा कितनी वैकेंसियाँ रिक्त हैं, क्या क्या है उसके बारे में जानकारी, सारी जानकारियों के साथ हम अपडेट हैं और कब तक आ सकता है नोटिफिकेशन, इन सभी जानकारियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। 100% सत्य और सटीक जानकारी हम आपको देंगे। UPSC RO का अगर बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए स्टार्ट है। अगर आप इच्छुक हैं सिविल सर्विसेज में जाने के लिए तो RO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो बैच में आपको शून्य से शिखर तक की सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जो कि आपके लिए पूरी तरह से फ्री हैं। सब कुछ आपको शून्य से शिखर तक दिया जाएगा, यानी आप एक तरह से फाउंडेशन कोर्स मान करके भी कर सकते हैं अगर इन फ्यूचर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहते हैं तो। आपके लिए बैच फ्री है, पूरी तरह से ज्वाइन कर लीजिए। 8004109989 पे आपके लिए यहाँ पे सब कुछ फ्री में है। तो चलिए आज की बड़ी खबर पे रुक करते हैं और देखते हैं क्या है। टीचिंग पीएचडी शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के भरे जाएंगे 17,000 पद, देखें रिक्तियों का ब्यौरा, जल्द ही जारी होगा विज्ञापन। तो बहुत जल्द विज्ञापन आने वाला है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। 6 महीने में भर्ती की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में नई चयन प्रक्रिया को लेकर के सक्रियता बढ़ गई है। जैसा आपने आपको मैंने बताया था, बहुत जल्दी विज्ञापन में आने वाला है, विज्ञापन आपके अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा। आप मान के चलिए तो यहाँ पे हम जैसे ही विज्ञापन आएगा, उसकी नोटिफिकेशन आएगी, हम आपको जरूर बताएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी सरकारी जॉब से रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए चैनल पर आप सक्रिय रहिए, चैनल पर सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम बता दी जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के 17,011 पद पर भर्ती का विज्ञापन शासन की मंजूरी मिलने के तुरंत बाद जारी हो जाएगा। चयन बोर्ड के अध्यक्ष बीरेश कुमार ने सोमवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में इन रिक्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। सबसे अधिक 12,949 पदों पर प्रशिक्षित स्नातक PhD का चयन होगा। प्रवक्ता या PhD के 2,609 पद खाली हैं। संस्था प्रधान व प्रधानाचार्य के 1,453 पदों पर भी PhD के साथ ही विज्ञापन जारी होगा। चयन बोर्ड के में ने भर्ती की पूरी तैयारी कर ली है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर बन चुका है और सिक्योरिटी ऑडिट भी हो चुकी है। अफसरों की इस भर्ती के लिए 10 लाख से अधिक आवेदन आने का अनुमान है। तो ये बड़ी खबर थी आपके लिए, आप अभी से अपनी तैयारी भी शुरू कर दीजिए। फॉर्म जल्द आने वाला है और आप फॉर्म भरने के लिए प्रिपेयर रहिए, TGT में और PhD में दोनों के लिए। और इससे रिलेटेड क्या जानकारी हो सकती है उसे भी हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।